जनता का देख रहे सभी दर्शकों को एमएस निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम इंद्री नगर पालिका में पहुंचे हैं और यहां नगर पालिका पार्षदों की एक वार्षिक बैठक चल रही है। इस बैठक में बजट पास होना है और शहर के इंद्री जो शहर है इसके विकास को लेकर के योजनाएं बननी है और ये योजनाएं क्या होंगी ये आपको दिखाएंगे। यहाँ जो मीटिंग हमें जो सूचना मिली है इस मीटिंग को लेकर के कुछ पार्षदों में नाराजगी है कि उन्हें सूचना नहीं मिली, उनके काम नहीं हो रहे हैं और ये नाराजगी इस मीटिंग में किस रूप में नजर आएगी आपको ये भी दिखाएंगे हम। इस समय आप देख रहे हैं जनता का और आपसे अनुरोध है आप खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मीटिंग चल रही है, मीटिंग में पार्षद आक्रोश जता रहे हैं। पार्षदों का नाराजगी इतनी है कि उन्हें सूचना नहीं दी गई, उनके विकास कार्यों में पूछ नहीं हो रही। लेकिन आपको एक और बता दें कि इस मीटिंग में आज ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं। जो इंद्री के विधायक हैं राम कुमार कश्यप, वो पिछले लंबे समय से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि इंद्री के विकास को गति दी जाए, इंद्री के सौंदर्यकरण को गति दी जाए और वो गति किस तरह से दी जाएगी इंद्री शहर के जो पार्षद हैं उनसे विचार विमर्श करके, उनके राय लेकर के, उनके सुझाव लेकर के। और विशेष रूप से इसलिए भी ये मीटिंग महत्वपूर्ण है कि अधिकारियों और पार्षदों के बीच तालमेल बना करके इंद्री शहर की जो समस्याएं हैं, इंद्री क्षेत्र की जनता की जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जाए और यहां विकास जो कार्य हैं उसको और भी गति प्रदान की जाए। मीटिंग में तनातनी का माहौल भी आप देख रहे हैं, मीटिंग में नाराजगी का माहौल भी आप देख रहे हैं और मीटिंग में आप देख रहे हैं कि पार्षदों में नाराजगी इस बात को लेकर के है उनके विकास के जो कार्य हैं वो उस रूप में नहीं हो पा रहे हैं जिस गति में वो चाह रहे हैं। अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे हैं, उनके काम क्यों नहीं हो रहे हैं ये भी आप इन पार्षदों से सुन रहे हैं। पार्षदों में नाराजगी उनकी वाजिब भी है, जनता ने उन्हें चुना है और जनता के प्रति वो जवाबदेही है। आप देखते रहिए ये सारी खबर को और अपने जो विचार हैं सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिए। सबसे पहले तो मीटिंग शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो बेनिफिशियरी थे 16 के लगभग आज उनको बुला रखा था, उनको जो है 2.5-2.5 लाख की किस्त मिलती है उनको दे दी गई थी और उनको आज उसके सर्टिफिकेट जारी किया गया। इसके बाद ये 19-20 के लगभग मुद्दे ये विकास के बारे में नगर पालिका के आए हैं, उनमें से एक दो को छोड़ करके सभी को जो है हाउस ने सहमति दे दी है और ये सारे जो मुद्दे हैं मैं समझता हूँ उन्हें जल्द ही कार्रवाई करके इंद्री में जो भी चाहे लाइट से संबंधित है, चाहे गाड़ियों से संबंधित है, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात है, तो सभी पे जल्दी कार्रवाई कर दी जाएगी। कितना का बजट पास हुआ? बजट ये 6 करोड़ के लगभग का बजट पास हुआ और उसने सब सम्पी से उसको पास कर दिया। कब तक शुरू हो जाएंगे कार्य देखेगा? ये तो एक प्रोसेस है, पहले देखेगा इसमें कुछ काम ऐसे होते हैं जब परमिशन लेनी होती है कमीशन से या सरकार से, जो कमेटी के अंतर्गत आते हैं मुद्दे जो खुद लेवल पर कर सकते हैं वो तो खुद अपने लेवल पर जल्दी शुरू कर दिए जाएंगे। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, काम होते हैं जिनकी परमिशन लेनी होती है तो बहुत जल्दी ही उन पर कार्रवाई करके पत्र व्यवहार करके उन पर परमिशन लेकर के उन पर काम करने का काम किया जाए। अच्छा, कुछ कामों को लेकर के पार्षदों में बड़ी निराशा थी, उनके काम नहीं हो रहे हैं। हाँ, वो मैं समझता हूँ काफ़ी समय से ऐसा हो रहा है, मैं समझता हूँ आगे इस प्रकार की कोई बात नहीं होगी, तो मैंने महसूस किया कि थोड़ा निराशा से ज़्यादा थी, ठीक है ना, तो मैंने उनको प्रयास किया भी आगे ऐसे निराश ना हो और काम हो, तो जब काम होंगे तो निराश भी नहीं। कुछ ऐसा देखा कोई ब्यूरोक्रेसी लेवल पे कुछ परेशानी आ रही है? नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं, कोई थोड़ा हो जाता है कोई काम लेट हो गया भाई, देखो काम तो नियमानुसार होगा, अगर नियमानुसार लेट हो गया तो वो कहीं बार हम ले लेते हैं भी, मतलब हमारा काम नहीं हो रहा है, तो काम तो सिस्टम से होगा, ठीक है ना। जैसे कई बार जैसे विकास का काम है टेंडर लगता है, अब मान लिया बात आई थी यहाँ पर टेंडर लग गया, किसी ने ठेकेदार ने ले लिया, ठेकेदार ही उस टेंडर को उस काम को नहीं करेगा, वो बार बार नहीं करता तो मतलब परेशानी तो आएगी उसको, जो MC है उस वार्ड का उसको परेशानी आएगी, नेगेटिवनेस आएगी, निराशा होगी, इस प्रकार से जो है कई बार हो जाता है। बाकी भविष्य में हमारा प्रयास रहेगा तो मतलब इस प्रकार की कोई भी MC जो है मतलब इसमें थोड़ा उसमें निराशा नहीं हो और उसको राशा ही रहे भी काम बढ़िया तरीके से। कोई नए कामों को लेकर के आज कोई तैयार किया गया? नए काम जो है जैसे कई काफ़ी दिनों से जो यहाँ की लाइटें हैं वो
रिपेयर का काम रुका हुआ था, क्योंकि वो हरियाणा सरकार ने जो है लाइटों के काम के लिए सारे हरियाणा का ठेका किसी ठेकेदार को दिया है, तो वो ठेकेदार का ठेका मिल चुका है, तो वो भी काम शुरू हो जाएगा। परंतु उससे पहले जो लाइटें मतलब ख़राब हो रही हैं उनको दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से कहीं बाथरूम लैट्रिन वगैरह है वो भी काफ़ी दिनों से उनकी सफाई नहीं, उनकी सफाई करने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार से अन्य कई काफ़ी काम है जिनके पास जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। शहीदी चौक पे 100 फुट का झंडा लगाना, हाँ वो झंडा लगाने का जो बहुत ही देखो ये हमारे राष्ट्रीय मान सम्मान की बात है, उस पर 100 फुट का झंडा लगाने की आज अनुमति पास कर दी है। झंडा लगेगा और वो शहीदों के नाम देश में जो पास किए हैं उसमें शहीदों के नाम उसमें अंकित किया जाएगा। हाँ जी मैडम, आज की जो बैठक हुई थी इसको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? विकास कार्यों में कई लोगों के नाराजगी थी पार्षदों की, आज की जो बैठक हुई नाराजगी पार्षदों की सिर्फ इसीलिए थी कि जो डिले होता है काम में वो चाहे किसी भी लेवल पे है तो पब्लिक को फेस पार्षद को करना पड़ता है, तो इसी वजह से पार्षदों में काफ़ी डिसटिस्फेक्शन थी कि हमारे जो काम थे वो काफ़ी डिले हो रहे हैं, जैसे चाहे लाइट का काम है चाहे कुछ भी काम है उसमें हमारे को बहुत पेंडिंग वर्क मिलता है। लेकिन हमारे एमई साहब अभी आए हैं, इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि विद इन 1 वीक और 1 मंथ चाहे लाइटों वाला काम है चाहे और कोई भी काम है चाहे पब्लिक टॉयलेट की सफाई का काम है वो सारा विद इन 1 वीक या 1 मंथ सारा कंप्लीट होगा, सारा शहर दोबारा से जगमग करेगा। इसीलिए हमने आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जेई साहब को भी बुलाया था, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो लाइट्स काटी गई थी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से वो दोबारा से बहाल कर दी जाएंगी ताकि पब्लिक को आने वाले त्योहारों के टाइम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो मेरे ख्याल से क्या हो रहे थे ये क्यों नहीं आप पार्षद जो नाराज नहीं पार्षद जो नाराज हैं उनकी नाराजगी का कारण आप क्या महसूस कर रहे हैं? कारण यही था कि जो अधिकारी को काम नहीं कर रहे थे। नहीं नहीं, हमारे यहाँ के अधिकारी तो अपनी तरफ से पूरा सहयोग दे रहे थे, लेकिन जो मतलब सिस्टम है जो सिस्टम के थ्रू काम होता है उसमें लैगिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। कभी फाइल इस डिपार्टमेंट में रुक जाती है, कभी फाइल दूसरे डिपार्टमेंट में रुक जाती है, तो अधिकारी भी तभी कर सकते हैं जब उनके पास परमिशन होगी। तो कुछ हमारे यहाँ पे थोड़ा ट्रांसफ़र का सिस्टम ज़्यादा ही रहता है। हमारी अभी फरवरी की जो प्रोसीडिंग है वो भी अभी तक पास होके नहीं आई है। ये तो मैंने पहले भी CM साहब से भी बात हुई थी कि जो प्रोसीडिंग है वो पास होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस मामले में पहले आपने को प्रयास किए हैं? काफ़ी प्रयास, देरी हो रही है। हाँ जी, काफ़ी प्रयास किया, DC साहब से भी बात किया, सब कुछ बात किया, लेकिन चक्कर वो ये कि लेवल्स हायरार्की काफ़ी लंबी है, तो वो कभी किसी लेवल पे कोई पेंडिंग हो जाती है, कभी किसी लेवल पे। लेकिन अभी मेरे ऑफिस स्टाफ की तरफ से यही आश्वासन मिला है कि विद इन 1 वीक सब कुछ क्लियर होगा, और पिछले काम पूरे होंगे, और इस जो ये मीटिंग हुई है इस पे भी काफ़ी अच्छे से जल्दी एक्शन लिया जाए। काम जो देरी से होते हैं आप लोगों को पार्षदों की जो नाराजगी है वो झेलनी पड़ती है, किस तरह का दबाव रहता है आप लोगों को काम करने? नहीं नहीं, मेरे ऊपर तो कोई दबाव नहीं रहता, मेरे पार्षद बहुत अच्छे हैं, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि पब्लिक सेटिस्फाई है तो हम सेटिस्फाई हैं। सिर्फ दिक्कत यही होती है कि हम घर से निकलते हैं या घर पे भी पब्लिक बहुत बहुत दुखी है सिर्फ लाइट्स की वजह से। लाइट्स मतलब मेरे तो जो कार्यकाल पूरा रहा है इसमें लाइट्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रही है, लेकिन जैसा कि एमी साहब ने बताया कि लाइट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही हुआ है, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ही हुआ है। तो वो अभी हमारे विधायक साहब ने भी बात किया तो वो ये कह रहे थे कि वो जल्दी से जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा, और रही रिपेयर की वो जल्दी से जल्दी। अच्छा, साल का बजट था ये और एक साल की पूरी योजनाएँ तैयार की जाती हैं, आप लोगों ने कोई नई शहर के विकास की सौंदर्यकरण की क्या क्या योजनाएँ कुछ तैयार की? सौंदर्यकरण के लिए तो एक तो हमने शहीदी चौक पर 100 फीट का झंडा लगाने की बात की गई है ताकि दूर से ही शहीद हमारे शहीदों को भी नमन हो सके और शहर भी सुंदर लगे। और अभी हमारे जो ऑफिस स्टाफ है और पार्षदों की तरफ से भी ये है कि शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए प्लांटिंग की जाए शहर में, और जो पार्क्स हैं उन्हें अच्छा बनाया जाए, जैसे किले वाला पार्क की डेवलपमेंट का काम चल रहा है, और वैसे हमारे इंद्री में जैसा करनाल में डोर्स हैं उसी के बेसिस पे हमारे इंद्री में भी दोनों तरफ डोर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जल्दी से जल्दी हम कोशिश यही करेंगे कि बहुत सुंदर से गेट हम अपने इंद्री को दें ताकि उसकी अलग ही पहचान बने, और वैसे कम्युनिटी सेंटर का काम भी प्रोसेसिंग में चल रहा है। दूर से सर क्या कहेंगे आज हाउस की मीटिंग आज हाउस की मीटिंग बुलाई गई थी बजट के रिगार्डिंग, और रूटीन की जो मीटिंग होती है उसके लिए बजट की मीटिंग में लगभग 6 करोड़ का बजट रखा गया था, उसको हाउस ने पास कर दिया है, और डेवलपमेंट में कुछ सुझाव विधायक जी द्वारा दिए गए और पार्षदों के द्वारा उनको हमने नोट कर लिया गया है, और जल्दी उन पर कार्रवाई की जाएगी।
तो लगभग कितने करोड़ के विकास कार्य हो रहे हैं? 6 करोड़ का बजट पास हुआ है आज। अच्छा, कितने दिन में शुरू हो जाएगा काम? हमने प्रोसीडिंग लिखना स्टार्ट कर दिया है, जल्दी प्रोसीडिंग को सबको पूरा करके और मार्च के 2 सप्ताह तक टेंडर लगा दिए। आपने देखा नगर पालिका की इस मीटिंग में पार्षदों की नाराजगी को और अधिकारियों के रुख को और इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप की नाराजगी जो विधायकों जो वो पार्षदों के प्रति थी, ये जो नाराजगी विधायक ने महसूस की है वो विधायक साहब बोल भी रहे हैं, लेकिन खास बात ये रही है कि इंद्री में जो शहीदी चौक है वहाँ पर जो नेशनल झंडा है राष्ट्रीय हमारा ध्वज वो लगाने की बात हुई है, इंद्री में जो बिजली का जो लाइटें हैं उनके सुधार की बात हुई है, इंद्री में साफ सफाई की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की बात हुई है, और प्रमुख बात यह रही है कि इंद्री के विकास को और गति कैसे दी जाए उसके लिए योजना बनाई गई है, और आज की मीटिंग में जो बजट का प्रस्ताव था वो 6 करोड़ रुपए का बजट आज पेश किया गया, जिसमें से आधी के करीब जो पैसा है वो तनख्वाहों के रूप में कर्मचारियों को चला जाएगा, लेकिन विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की जो हैं उनको लाने का प्रयास भी किया गया। विधायक साहब ने भरोसा दिलाया है पार्षदों के कि उनकी तकलीफों को उनकी समस्याओं को उनकी नाराजगी को आगे आने नहीं दिया जाएगा। आप इस खबर को किस रूप में देख रहे हैं ये आपने अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मैसेज ज़रूर भेजने हैं, लेकिन इस समय मैं इंद्री नगर पालिका से अपने सहयोगी के साथ MS निर्मल